हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का निर्माण एजुकेशनल इंडिया चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है जिसे कवर करने का कोशिश करेंगे और 2021 के लिए आपके लिए वरदान साबित होगा। तो बीएड सेकेंड ईयर का है, नॉलेज एंड करिकुलम का एक क्वेश्चंस है, कोर्स 8। और एक क्वेश्चंस को आप पढ़ते हैं, हम लोग इसे समझने का कोशिश करते हैं। एक अच्छी पाठ्यचर्या के निर्माण प्रक्रिया में अधिगम अनुभव चुनाव का स्रोत का वर्णन करें। इसका मतलब है कि एक करिकुलम जो है बढ़िया तरह से, मतलब जिसमें सोशल, कल्चर, इमोशनल, कोग्नेटिव सबको ध्यान में रख के बनाया गया वैसा करिकुलम, तो इसमें अधिगम अनुभव चुनाव के स्रोत का वर्णन करना है, यानी लर्निंग एक्सपीरियंस सेलेक्शन। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रस्तावना पर विचार करेंगे। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिगम क्या है? अधिगम एक सहज प्रक्रिया नहीं होती है, जटिल प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो ये भी कितने प्रकार से होते हैं, देखिए, औपचारिक ढंग से भी हम सीखते हैं, अनौपचारिक ढंग से भी सीखते हैं, विद्यालय जाके भी सीखते हैं, घर पर भी सीखते हैं, रोड पर भी सीख सकते हैं, कहीं सीख सकते हैं। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कहीं भी हमें ज्ञान, बस उसके काइंड्स प्रकार में अंतर होता है। इसी समय अवधि में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। क्या होता है? हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जिस अधिगम में अधिक से अधिक ज्ञान इंद्रिय का प्रयोग होता है वह अधिगम अस्थायी और संपूर्ण होता है। जिसमें हमारी जो ज्ञान इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय है, तो हम अपने ये जो ज्ञान इंद्रिय, इट मीन्स जो हमारे सेंसेस है, तो सेंसेस का हम जितना यूज करेंगे उतना ही सीखेंगे। अब हम लोग टीवी वॉच करते हैं, उस समय क्या पूरा ध्यान हमारा फिल्म, मूवी, सीरियल जो भी दिख रहे उस पर होता है, तो उस समय हमारे सारे सेंसेस एक्टिव होते हैं। तो क्या होता है, हमें सारी मूवीज़ का एक बार देखिए उसका पूरा स्टोरी याद हो जाता है, ऐसे हुआ, जो भी हुआ। तो आखिर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस समय हमारी सेंसेस, हमारी जो इंद्रियाँ है, एक्टिव रहती है। वह अधिगम क्या होता है? इस प्रकार वो अस्थायी हो जाता है। अधिगम में तर्क भी मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया है। देखिए, अधिगम में एक लॉजिक का भी बहुत बड़ा स्थान होता है। जैसे लॉजिक, लॉजिक का मतलब क्या होता है? क्यों, क्या, रीजनिंग करना। तो तर्क में ही आगमन और निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसी में आगमन और निगमन विधि का यूज किया जाता है। हमें अच्छी तरह से मालूम है आगमन विधि कहा जाता है जिसमें एग्जाम्पल किसे नियम की ओर जाया जाता है। यानी सबसे पहले हम क्या कहेंगे, ताजमहल दिखाएंगे। ताजमहल का फिगर आप लोग देख लिए, उसके बाद से समझाएंगे कि ताजमहल शाहजहाँ बनवाया था, ताजमहल आगरा में है, इस अपने खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, और 7 अजूबों में से इसे भी गिना जाता है विरासतों में से। तो ये क्या है, ये आगमन हो गया। निगमन का मतलब होता है पहले हम लोग नियम सिखाते हैं, जैसे बच्चों को सबसे पहले आपको नियम रटवाना है, रटन तो जुड़ देता है। जैसे पहले क्या सिखाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों को तो पहले नियम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो गया, ये निगमन हो गया। उसके बाद से फिर पूरा उसका क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, समझाएंगे, अब नहीं समझेंगे। अधिगम अनुभव के सृजन से बालकों को उपलब्धियों द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। देखिए, हमारा जो लर्निंग एक्सपीरियंस जो है, उसकी जो, उसका जो सृजन होता है, उससे क्या होता है, बालकों की उपलब्धियों द्वारा बालकों में क्या होती है, अचीवमेंट प्राप्त होती है। अब अचीवमेंट हमें प्राप्त होती है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उपलब्धि प्राप्त करते हैं, वह हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता होता है। अधिगम अनुभव को शैक्षिक उद्देश्य तथा पाठ्य वस्तु द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अधिगम अनुभव जो होते हैं वे हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और जो हमारे टेक्स्ट बुक होते हैं उनके द्वारा उनको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मानिए कि अनुभव है, तो अनुभव क्या नहीं कहा जाता है, सीखते सीखते भाई अनुभव हो जाता है, तो अनुभव का मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है। चाहे कोई कहता है अपने से अनुभवी व्यक्तियों से राय लो, क्यों, क्योंकि उस एरिया में वो बहुत दिन तक रहा है, उसको अनुभव हो गया है, तो उसी को तो हम अनुभव कहते हैं। तो उस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर एजुकेशनल हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो
शैक्षिक उद्देश्य और पाठ्य वस्तु के द्वारा। चूँकि हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें पाठ्य वस्तु का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो है लेक्चरर, उनके बारे में आप लोग सुनते होंगे, वो चाहे महेश्वरी को ले लीजिए, चाहे वृंदा, और भी बहुत लोग हैं, तो ये जो भी मोटिवेशन स्पीच देते हैं कैसे देते हैं? अपने आप तो ज्ञान हासिल हो नहीं गया है, एक जन्म से ही बच्चा तो इतना इंटेलिजेंट हो नहीं जाएगा। उसके लिए क्या हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमें अधिगम करना पड़ता है, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा राइटर्स की बुक पढ़नी होती है, तब हमें नॉलेज हो पाता है। बिना नॉलेज का आदमी क्या बोल सकता है? इंसान बुक ही, टेक्स्ट बुक ही तो हमें नॉलेज देता है, तो उससे हमें अनुभव प्राप्त होता है। पढ़ते पढ़ते क्या होता है? अनुभव हो जाता है। शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया अनुभवों द्वारा अधिक प्रभावशाली होता है, और इस प्रकार हमारी जो टीचिंग मेथड होती है, हमारा जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, वह अधिक प्रभावित होता है। अनुभवों के लिए बालकों की स्वयं की क्रिया है सबसे बड़ा साधन होती है। देखिए, हमें यदि अनुभव प्राप्त करना है तो करके सीखना होगा। करके सीखने पर जॉन डीवी महाराज भी बहुत जोर दिए हैं, मतलब करके बच्चा सीखेगा तो ये क्या है, क्रियात्मक पद्धति है। इसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का कोशिश करेगा, क्योंकि त्रुटियाँ तो होगी, तो त्रुटियाँ भी क्या है, कोई मतलब कोई अभिशाप नहीं है। त्रुटियाँ करते करते हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सही करने लगते हैं। तो इस प्रकार त्रुटियाँ भी क्या होती है, हमारी सफलता की एक स्टेप होती है, जो हमें सफल बनाने में क्या होती है, मदद करती है। इसीलिए तो जॉन डीवी महाराज जी देखिए क्या बोलते हैं, इनका कहना है, जॉन डीवी कौन सा, शिक्षण शिक्षक का परम कर्तव्य यह है कि बालकों की सीखने की क्रियाओं के लिए समुचित प्रेरणा एवं प्रोत्साहन दे तथा उपयुक्त वातावरण एवं अवसर प्रदान करे। जॉन डीवी महाराज जी कहते हैं कि एक टीचर का सबसे मतलब उसका प्राइमरी ड्यूटी क्या है, उसका प्राइमरी ड्यूटी यह है कि वह जो स्टूडेंट है उसको सीखने के लिए क्या करे, उसको समुचित यानी पूरा उसको मोटिवेशन दे, उसको इन्हेंस करे, और उसके साथ साथ ही उसे सुटेबल एनवायरनमेंट भी दे और अवसर भी उसे प्रदान किया जाए। मानिए कि अगर कोई व्यक्ति है उसमें बहुत सारी क्वालिटीज है, बहुत कुछ कर सकता है, बट उसे अवसर नहीं मिल पाता है। आप देखिएगा, कोई कोई लड़कियां होती है जिनकी कम उम्र में ही शादी हो जाती है, जैसे 17, 18, 19 मैट्रिक इंटरमीडिएट करने के बाद, उनमें बहुत योग्यता है, बहुत कुछ कर सकती है, बट उन्हें जिम्मेवारियाँ इतनी घेर लेती है, बच्चे, सास ससुर, घर परिवार, कि वो कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि उनको अवसर नहीं मिल पाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर बढ़िया फैमिली मिला है उनको, अच्छे सास ससुर हस्बैंड है, तो अगर देख रहे हैं कि भाई मेरी बहू में या मेरी बीवी में ऐसी एबिलिटी है कि वो कुछ कर सकती है, तो उन्हें अवसर प्रदान करना चाहिए। यदि उनको अवसर न मिले तो वे क्या कर पाएंगी, उनकी क्वालिटी दब जाएगी, वे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अवसर और वातावरण का भी प्लस मोटिवेशन का भी बहुत आवश्यकता होती है। जैसे मानिए कि कोई बीपीएससी एपीएससी का तैयारी कर रहा है, तो मोस्टली तो एक बार में नहीं होता है, कभी पीटी तो कभी मैथ तो कभी इंटरव्यू में आदमी रिजल्ट रिजेक्ट हो जाता है, कभी एक नंबर कभी दो नंबर से। तो इस समय क्या होता है, मोटिवेशन का बहुत बड़ी रोल होती है हमारे ज़िंदगी में, जो हमें क्या करती है, मोटिवेट करती है कि नहीं, एक नंबर से ना मैं से नहीं निकला, आगे निकल सकता है। तो वही जो हमारी छोटी छोटी असफलताएं होती है, आगे हमें सफल करने में भी मदद करती है। आप लोग आजकल तो YouTube का या इंटरनेट का आजकल ज़माना है, तो इसमें तो हम लोग सुन सकते हैं, बहुत ऐसे अभी बीपीएससी निकाले हैं, बहुत ऐसे लेडीज निकाले हैं जिनको 3-4 बच्चे हैं, बोला करती है कि कितना समस्या है, लेकिन इसके बावजूद भी बोलती हैं कि भाई हमें अवसर मिला प्लस मोटिवेशन मिला, तब हम आज सफल हो पाए हैं। तो इसलिए हमारे जो कोई भी शैक्षिक उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में मोटिवेशन, वातावरण, अवसर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिससे छात्रों को अधिक से अधिक सो उद्देश्य क्रियाओं को संपादित करने का अवसर मिल पाता है। इसलिए हम जो करके सीखते हैं, हमारे क्रियाओं को क्या मिल पाता है, अवसर मिल पाता है। अब आगे हम लोग समझेंगे सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस।
इसका मतलब होता है, देखिए, सिलेक्शन मतलब चुनाव, अप्रोप्रिएट उपयुक्त लर्निंग एक्सपीरियंस है, हमारा जो अधिगम अनुभव होता है उसके लिए उचित चयन क्या है। तो देखिए, इसमें दो बहुत ज़्यादा फेमस है अधिगम अनुभव के लिए, एक बर्टन है और एक व्हीलर है। ये अपने अपने मानदंड, अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। तो पहले बर्टन दिए, उसके बाद व्हीलर दिए। तो व्हीलर महोदय जी हैं, इनमें बहुत ज़्यादा वैज्ञानिकता का झलक देखने को मिलता है इनके मानदंड में, इनके सिद्धांत में, इनका जो प्रिंसिपल है। तो आज का युग क्या है, आज का युग वैज्ञानिकता का युग है। जिस चीज़ में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, वैधता होगी, वैलिडिटी होगी, व्याप्ता होगी, व्यापकता होगी, उसे क्या होगा, ज़्यादा पसंद किया जाएगा। तो व्हीलर को सिद्धांत को ज़्यादा वैज्ञानिकता, मतलब उस साइंटिफिक रूप से ज़्यादा सही सिद्ध हुआ है। तो इसको समझेंगे, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस, अधिगम अनुभव निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। हमारा जो अधिगम करते हैं उससे जो अनुभव प्राप्त होता है, तो हम जो अपने निश्चित फिक्स जो गोल किए रहते हैं, हमारे जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिस एरिया में हम जा रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में जा रहे हैं, एजुकेशनल हो गया, प्रोफेशन बिजनेस में जा रहा है, प्रोफेशनल हो गया, यानी हर हर चीज़ में कोई ना कोई किसी का ऑब्जेक्टिव होता है। कहा भी जाता है, यदि इंसान के पास ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो क्या है उसमें और एक जानवर में क्या अंतर है। जानवर भी बिना उद्देश्य का जीता है, बस उसको खाने से मतलब है। तो इंसान भी वैसा हो जाए तो क्या अंतर आ जाएगा। तो अतः स्वाभाविक है कि कोई भी पाठ्यचर्या निर्माता निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हीं अधिगम अनुभवों का चयन करना चाहेगा जो सार्थक, सतत, अंतःक्रिया आधारित तथा समन्वित होगा। देखिए, यहाँ पे समन्वित का मतलब होता है इंटीग्रेटेड होगा। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि जो भी करिकुलम निर्माता होते हैं, वे जिस चीज़ के लिए करिकुलम तैयार कर रहे हैं, मानिए कि बीएड के लिए कर रहे हैं, कि आपको एमबीए के लिए कर रहे हैं, या बीबीए के लिए कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से करेंगे कि अब मानिए कि कोई एमबीए एमसीए कर रहा है, तो उसको मैनेजमेंट में जाना है। अब उसका जो करिकुलम है टीचिंग लाइन से संबंधित तो नहीं होगा, वो बिजनेस से रिलेटिव होगा, उसी से इंटीग्रेटेड होगा। तो कहने का सेंस है कि हमारे जो करिकुलम निर्माता होते हैं इस बात पर ध्यान रखते हैं कि अब बीएड जो कर रहा है इंसान, वो तो जाके मैनेजमेंट में नहीं ना जाएगा, वो टीचिंग लाइन में जाएगा। तो उससे क्या होगा, ऐसे करिकुलम निर्धारित, ऐसे उसमें ऑब्जेक्टिव्स हो जो उसे टीचर बनने में, प्रोफेसर बनने में मदद करे। जो मानिए कि बीएड कर लिया तो टीचर बनेगा, या एमएड किया तो लेक्चरर बनना चाहेगा। तो उसी लेवल का, उसी से संबंधित हमारा क्या होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए, जिस एरिया, जिस फील्ड आप फील्ड में जाना चाहते हैं। अब जैसे जो एमबीए का, जो एमबीबीएस कर रहा है, ठीक है, उसे तो डॉक्टर बनना है, तो उसे तो टीचिंग लाइन वाला चीज़ नहीं ना पढ़ाया जाएगा। तो ये क्या है, जो जिस एरिया, जिस सेक्टर में जाना चाह रहा है, उसी से संबंधित उसको, उसी फील्ड से संबंधित उसको, उसका करिकुलम तैयार किया जाता है। और इस बात को एक करिकुलम निर्माता बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उसी प्रकार से तैयार भी किए जाते हैं। तो उन्हीं अधिगम अनुभवों का चयन करना चाहेगा जो सार्थक, देखिए उसी अधिगम लर्निंग को, एक्सपीरियंस को उसमें इंटीग्रेटेड करेगा, ये जो उस पर क्या हो, उसमें सार्थक सिद्ध हो। अगर निरर्थक है, बिना उद्देश्य का, निरुद्देश्य है, तो क्या फ़ायदा, क्या उसमें वो एक मतलब। अब एमबीबीएस का है डॉक्टरी लाइन में जाना है, बीएड का है एजुकेशनल लाइन में जाना है, अब दोनों एक दूसरे से चेंज कर दिया जाए, तो क्या कोई उद्देश्य का प्राप्ति कर पाएगा, एमबीबीएस करके कोई डॉक्टर बन पाएगा यदि उसमें बीएड के बारे में पढ़ाया जाए। तो इस बात को ध्यान रखा जाता है कि जो जिस एरिया का है, जिस फील्ड का है, उसी अधिगम अनुभव को इंटीग्रेटेड करते हुए करिकुलम बनाया जाए। अब इसमें देखिए, एक वाइट बोर्ड, वाइट हेड आता है, वाइट हेड मतलब क्या है, वाइट हेड कोई सामग्री का, कोई कंटेंट का नाम नहीं है। वाइट हेड नामक एक व्यक्ति हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका कहना है शिक्षा वह है जो तथ्यों के विस्मृत हो जाने पर भी बसी रहे। देखिए, वाइट हेड
महोदय जी हैं, इनका कहना है एजुकेशन क्या है। हर कोई अपना विचार एजुकेशन के बारे में दिया है, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे अरस्तु महाराज जी हैं, जैसे एरिस्टोटल हैं, क्या बोलते हैं कि शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। उनका ही कहना है कि हेल्थ इज वेल्थ, मतलब अगर अगर हम हेल्दी हैं तभी तो एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमारे अधिगम प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए व्हाइट हेड महोदय जी क्या कहते हैं, शिक्षा हुआ है जो तथ्यों के विस्मित हो जाने पर भी बची रहे। यानी इनका कहना है कि जैसे हम लोग, आप लोग देखिए, जैसे हम लोग सिक्स क्लास में पढ़े हैं, ठीक है, सिक्स क्लास में आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे, उसमें क्या पढ़ना है, हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ना है, मौर्य एम्पायर पढ़ना है, इन लोगों के बारे में पढ़ना, मानी फैक्ट भूल गए, मतलब फैक्ट भूल गए कि मतलब जो हड़प्पा सिविलाइजेशन हुआ कब हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा भूल गए कि उसमें हुआ क्या था, उसका स्टोरी तो याद रहेगा ना कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या था, वो मातृ प्रधान था, उसमें औरतों को वैल्यू दिया गया था, उस समय कोई जातिवाद नहीं था, लेकिन अमीरी गरीबी की खाई है, तभी तो उसमें देखिए दो दुर्ग है, एक एक ऊँच एक निचली दुर्ग है, एक ऊपरी दुर्ग है, तो जो जो हाई पर बनाया गया है एकदम ऊंचाई पर, जैसे पाकिस्तान साइड में मोहनजोदड़ो हड़प्पा है, बहुत खूबसूरत ढंग से उसमें बड़ा बड़ा अन्नागार है, स्नानागार है, तो क्या है, और इधर आइए कलबंका लोथल टाइप में, तो इधर क्या है, इधर कच्ची कच्ची ईंटें भी मिली, उधर पक्के ईंटें से पूरा बनाया गया, तो इसमें भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वहाँ उस समय भी तांबे सोने के ज्वेलरी बनाए गए, तो फिर स्टोन्स के भी बनाए गए थे, तो कहीं ना कहीं अमीरी गरीबी की खाई थी। तो अमीरी गरीबी की खाई कोई बड़ी खाई नहीं होती है, मानिए कि हम गरीब हैं तो कल मेहनत करके, यानी बिजनेस करके या नौकरी करके हम क्या अमीर बन सकते हैं, तो हमारी गरीबी की खाई ख़त्म हो गई। लेकिन जो जाति की खाई है, जो आर्य आए उसके बाद से जातिवाद शुरू हो गया, ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पे था, उत्तर वैदिक काल में बस फिक्स हो गया, राजा का बेटा राजा बनेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो जातिवाद है, इतनी बड़ी खाई हो गई कि आगे हम लोग देखेंगे कि जो मॉडर्न इंडिया में आप लोग पढ़ेंगे कि कितना आंदोलन करना पड़ा, जिसमें राजा राम मोहन राय भी इसे नहीं पसंद करते थे, वो भी इसको क्रिटिसाइज किए, और उसके बाद से सबसे बड़े तो भीमराव अंबेडकर हैं, उनके साथ ये खुद दलित परिवार महाराष्ट्र महार परिवार से बिलोंग करते थे, उनके साथ भी कितना जातीयता की गई थी, कास्टिज्म को लेकर उन्हें भी बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी, इसीलिए तो नारायण गुरु हो गए और घासीदास हो गए, ये सब क्या किए, मतलब जातिवाद को ख़त्म करने के लिए अनेक आंदोलन किए। तो अब उन लोग का नारा क्या था, नारायण गुरु ही थे, उनका नारा था कि एक धर्म होता है, एक ईश्वर है और एक ही जाति है, यानी एक मानवता, मतलब उन लोग का कहना था मानवता से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, और मानवता ही धर्म है, और एक ईश्वर है, और दुनिया में भगवान अगर बनाए हैं तो दो ही जाति बनाए, एक स्त्री और पुरुष, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद है अनेक जातियों में बट गए। तो वही व्हाइट हेड महाराज जी क्या कहते हैं कि एजुकेशन हुआ है जो तथ्यों के विस्मित हो जाने पर भी बची रहे। यानी वो कब हुआ, कब हुआ, यानी कहा जाता है कि 47 यानी 4700 ईस्वी बोला जाता है, ईस्वी और ईसापुर में तो अंतर होता है, और 2700 ईसापुर बोला जाता है, तो उस समय घटित हुई थी। यदि इस बात को हम भूल जाए, लेकिन इतना तो याद रहेगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन हड़प्पा से शुरू हो गई दयानंद साहनी द्वारा, और उस समय अंग्रेजों ने जो रेलवे बिछाने का काम प्रोसेस शुरू किया, उसी समय से इसे खोजने का प्रयास किया गया, आखिर ईंट कहाँ से इतना निकल रहा है, तो उसके बाद से हड़प्पा सभ्यता क्या हुआ हमारे नज़र में आया। तो देखिए
वही कहना है कि यदि हम फैक्ट भूल जाए लेकिन उसकी स्टोरीज को ना भूल पाए, यही एजुकेशन है। अब सेकंड समझेंगे सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक जीवन को अनुभवों से संबंध करें। देखिए हम जो भी पढ़ लेते हैं, जो भी सिद्धांत हुआ उसको क्या करते हैं, फिर प्रैक्टिकल रूप से करते हैं। तो आजकल क्या है, आजकल जो हमारी एजुकेशन है, आजकल हमारा जो अधिगम है उसमें प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उसमें हम लोग करके सीखेंगे, करके सीखेंगे तो जो सैद्धांतिक चीज़ें सीखे हैं उसको प्रैक्टिकल रूप से सीखेंगे। अब आप लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसमें आप लोग अगर मेडाइवल में जाते हैं तो कुतुब मीनार पढ़ना है, चाहे आपको लाल किला के बारे में पढ़ना है तो सैद्धांतिक रूप से आप पढ़ लिए। लेकिन आप लोग जब दिल्ली जाके अपने आँखों से देखिएगा आखिर लाल किला में क्या खासियत है, कैसे बनवाया था इसे शाहजहाँ ने, कि आज भी वो अपने लिए एक बेमिसाल पहचान लेके खड़ा है, आज भी वहीं पर झंडा फहराया जाता है। हमारा स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री जाते हैं और वहाँ पे सबसे पहले फहराते हैं, आखिर उसमें क्या खासियत है, आज भी अपनी अपनी पहचान लिए हुए हैं। तो ये सब क्या हुआ, ये सब सैद्धांतिक ज्ञान को ये प्रैक्टिकल रूप से क्या करता है, अनुभव से संबंध करता है। तो हमारे क्या होगा, अनुभव डेवलप होगा। नेक्स्ट समझेंगे बौद्धिक तत्व के साथ साथ भावनावी अवस्थाओं तथा मूल्यों से युक्त होना चाहिए। देखिए हमारा जो अधिगम होना चाहिए इंटेलेक्ट, मतलब जिस प्याजी ने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है बौद्धिकता पर, कोग्नेटिव पर, संज्ञानात्मक ज्ञान पर। तो जब बौद्धिक तत्व के साथ साथ भावनाओं आस्थाओं तथा मूल्य से युक्त हो, हमारा अधिगम कैसा होना चाहिए, अधिगम जो अनुभव है हमारी फीलिंग्स उसमें जुड़ी होनी चाहिए, कोग्नेटिव होनी चाहिए, हमारे आस्थाओं से भी जुड़ी होनी चाहिए, उसे वो हमारे मूल्यों को बढ़ाए। ये नहीं कि उसमें ना हमारी सभ्यता है ना संस्कृति है तो कैसा अधिगम, काहे को अनुभव, कैसा अधिगम, कुछ नहीं। तो इसीलिए कैसा होना चाहिए, वैदिक तत्वों के साथ साथ सार्थक भावनाओं अस्ताव और मूल्य से भी युक्त होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग विचार करेंगे 4 नंबर, मानव अनुभव द्वारा सीखता है वह अनेक बातें दूसरे के अनुभव से भी सीखता है। मानव देखिए अनुभव द्वारा सीखता है, और जैसे आप लोग बीएड सेकेंड फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे प्रकृतिवाद। तो देखिए प्रकृतिवाद में क्या बोलते हैं, उसके सबसे बड़े समर्थक रूसो माने जाते हैं, उसके प्रवर्तक। और देखिए उनका कहना क्या है कि बच्चा कर रहा है कुछ भी करने दो यार, करके सीखेगा, अपने से सीखेगा, अपने अनुभव से सीखेगा। इसे तो ये कहीं सार्थक सिद्ध होता है, कहीं नहीं भी होता है। और मानिए कि जैसे पहले तो लालटेन होता था, चाहे आज के ज़माने में जैसे बॉल है, तो बच्चा को कहेंगे बाबू मत छू तो नहीं मानेगा, छुएगा। लेकिन जैसे ही वो गर्म चीज़ों का ऐसे टच करता है तो उसे क्या होगा, उसे महसूस कर रही है तो बहुत गर्म है, तो दोबारा वो नहीं जाएगा छूने, यानी उसको अनुभव हो गया कि भाई इसको छुएंगे तो मेरा हाथ जल जाएगा। तो इतना उसके पता है, वो अपने सेंसेस से अनुभव कर लिया नहीं छुएगा। तो यहाँ पर तो ये सार्थक हो गया कि भाई वह क्या होगा, अपने आप से सीख रहा है। लेकिन यदि अगर बहुत बड़ी खाई है, मानी कहीं हम लोग घूमने जा रहे हैं जैसे पहाड़ी इलाका में, अब बच्चा वहाँ पे नीचे देख रहा है, हम देख रहे हैं कि इसमें गिरेगा बच्चा तो उसका पता नहीं चलेगा, उसका हड्डी मांस कहाँ गया कोई था नहीं चलेगा। अब हम लोग उसे छोड़ दे, अरे वो अपने से सीखेगा अपने से क्या, तो गिर जाएगा, उसका जीवन का अंत हो जाएगा। जब वो जीवित ही नहीं रहेगा तो क्या सीखेगा, जब हम जीवित रहेंगे तभी तो अपने जीवन में कुछ सीखेंगे, और जब नहीं रहेंगे तो क्या सीखेंगे। तो क्या वहाँ पे हमें जरूरी होता है समझाना कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या होता है, मानव अनुभव द्वारा सीखता है, तो इसलिए मानव अनुभव द्वारा सीखता है तो नहीं कहा जाता है कि अनुभव भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मानिए कि कोई बच्चा है मैट्रिक पास किया, बहुत उसे बुकिज नॉलेज है, अपने फादर के पास या दादा के पास गया, बहुत ज़्यादा ये वो दिस दैट बोल रहा है, तो क्या दादाजी लोग क्या बोलते हैं, अरे बच्चा अभी तुम किताबी कीड़ा हो, तुम किताब से ज्ञान हासिल कर किए हो, हम लोग जीवन से अनुभव प्राप्त किए हैं, यानी कुछ भी है तो तुम पढ़े हो, हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी एजुकेशन अभी जो किताबी ज्ञान है उस पर हमारा अनुभव भारी है। तो इसीलिए हम कहा जाता है कि अपने बड़े बुजुर्गों से जाओ राय लो, सलाह लो, कुछ अच्छे ज्ञान ही देंगे, क्यों देंगे भाई, क्योंकि उनके पास अनुभव है। तो मानव अनुभव द्वारा सीखता है वह अनेक बातें दूसरे के अनुभव से भी सीखते हैं। हम बहुत ऐसी बातें हैं दूसरे के अनुभव से सीखते हैं। देखिए अभी भी देखिए बहुत ऐसी लड़कियाँ हैं जिनकी शादी हो जाती है तो अपना अनुभव प्रकट करती है, यार मुझे पढ़ने का बहुत शौक है लेकिन शादी हो गई तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, बहुत
समस्या है, कितनी समस्याएं बताया जाए। तो जिसकी शादी नहीं हुई है वो जो लड़कियां है इसे क्या होगी, उन्हें क्या होगा अनुभव, यानी सीखेगा कुछ। अरे मुझे अपना कुछ अपने पैर पे खड़ा हो जाना है, पहले पढ़ाई कर लेनी है, उसके बाद ही शादी वादी के झमेले में पड़ना है कि नहीं, अनुभव प्राप्त हुआ कि नहीं, कि नहीं पहले मुझे कुछ करना है। हम इंसान हैं, हम मानव जाति में हैं, तो पहले मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, उसके बाद मुझे शादी ब्याह करनी है, जो भी करनी है। तो ये भी क्या हुआ, एक दूसरे से अनुभव प्राप्त हो जाता है। अब फिफ्थ नंबर हम समझेंगे, फिफ्थ नंबर में देखिए क्या है, प्रत्यक्ष एवं दूसरे द्वारा प्राप्त अनुभव एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। मानव सभ्यता का संपूर्ण विकास इसी प्रक्रिया पर आधारित है। देखिए कहा जाता है वाइगोत्स्की के, हम लोग पढ़े हैं कि वे सोशल कल्चर पे बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, यानी उनका तीन चीज़ें ही उनके पूरे सिद्धांत पर मानी की है, SCL यानी सोशल कल्चर लैंग्वेज। तो कहने का मतलब है सोशली रूप से यानी सामाजिक रूप से जब हम एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं तो हमारे अनुभवों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है और हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो यही तो मानव सभ्यता का संपूर्ण विकास की प्रक्रिया है। अब जहाँ चार व्यक्ति बैठेंगे एक दूसरे का अनुभव हासिल करेंगे, मानी कि जो 50-60 वर्ष के हैं, जो रिटायरमेंट कर जाते हैं, 60 वर्ष में तो हर कोई रिटायरमेंट कर जाता है, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में जो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो बैठे रहेंगे, तो उसमें क्या होता है, मानिए कि 2 60 साल रिटायरमेंट व्यक्ति बैठे हो और 2 नौजवान बैठे हो, तो जो चाहे मानिए कि जो 40 प्लस है तो जो 60 वर्ष के हैं वो कहेंगे अरे मेरे 4 बच्चे थे, मैंने अपनी सारी कमाई उसी में लगा दी, लेकिन आज हमको ना बहू पूछती है ना बेटा पूछता है ना हमारा केयर करता है, सभी अपने में मस्त है, आज मेरे पास पैसा नहीं है कि हम अपना इलाज करवाएं। तो वहाँ पे जो 40 प्लस का इंसान है जो अभी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, तो क्या इस दिमाग में वो सोच लेगा कि नहीं यार बच्चे को पढ़ाओ ठीक है, ये हमारा ड्यूटी है, पालन पोषण करो, ऐसे नहीं करो कि हम दरिद्र हो जाए, मेरे पास एक पैसा भी नहीं रहे, कुछ अपने लिए भी रखो कुछ बच्चे में भी खर्च करो। तो क्या हुआ वहाँ एक दूसरे से हमें अनुभव प्राप्त हुआ कि नहीं, हम ऐसे करेंगे कि हाँ अगर बुढ़ापे तक रहें तो हमारे जीवन में इतना पैसा रहे कि हम थक जाए तो हायर कर ले किसी मेड को, कि हमारी वो चाहे किसी व्यक्ति को जो जिसे नीड है पैसा की वो हमारा सेवा कर पाए, हमें बच्चों पे डिपेंड नहीं रह पाए कि मेरा बेटा ये करेगा वो करेगा। ऐसे बहुत मूवी भी बनाई गई है जिसे हम लोग को क्या सीख मिलती है, जैसे भगवान है तो उसे देख के बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो सोचते हैं नहीं बच्चों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, वो भी ऐसे ही करेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक दूसरे से क्या होता है, हमारा अनुभव पूरक हो गया। अब आगे हम लोग समझेंगे 6 नंबर, प्रारंभिक अवस्था में प्रत्यक्ष अधिक उपयोगी रहता है। देखिए जब बच्चा मानी कि 2 से 7 साल का है तो उस समय बच्चे कोई कुछ भी चीज़ इनडायरेक्ट नहीं समझेगा, उसको डायरेक्ट छू कर समझता है। इसीलिए तो प्याजे ने कहा है कि जो 0 यानी जो जन्म से 2 साल की जो अवस्था होती है तो क्या होती है, सेंसरी मोड होती है, यानी बच्चा हर चीज़ सेंस से समझेगा। वही जो 2 से 7 साल की जो 7 साल की अवस्था होती है इसको प्री ऑपरेशनल एज बोला जाता है, यानी प्रारंभिक अवस्था। इसमें वो किसी भी चीज़ को जो देखेगा उसी को समझेगा, देख रहा है कि भाई ट्रक जा रही है बस जा रही है तो समझेगा हाँ जा रही है, इसमें इतने चक्का है इतने व्यक्ति बैठा हुआ है, आप ऐसे किसी भी चीज़ को देख के समझेगा तब वो समझेगा। इसलिए यहाँ कहा गया है प्रारंभिक अवस्था में प्रत्यक्ष अधिक उपयोगी एवं प्रभावी होता है। उस समय कोई भी चीज़ बता रहा है, जैसे उसको आजकल तो 2 साल 2.5 साल के बच्चे को लोग मॉन्टेसरी में डाल दे रहा है उसमें पढ़ाई करने के लिए, तो उसमें बच्चों को थोड़े तो आप लोग कॉपी पेन पर सिखाइएगा को नहीं, मतलब क ख ग ऐसे करके नहीं, बल्कि उसका फिगर आजकल आ रहा है, फिगर रख दीजिएगा क ख ग ग, चाहे एप्पल है तो APPLE ऐसे नहीं बोलेगा, बल्कि एप्पल रख दीजिएगा, बच्चों को मूर्त रूप से दिखाइएगा देखो ऐसा एप्पल होता है ऐसा मैंगो होता है, तो बच्चे क्या होते एकदम खुशी खुशी एकदम मजा से सीखेंगे, तो उनको क्या होगा
ऐसे खेलते खेलते सीख जाएंगे, यानी प्रत्यक्ष द्वारा सीख लेते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की अवस्था बढ़ती जाती है, दूसरे द्वारा प्राप्त अनुभव उसके लिए अधिक से अधिक संभावनाएं प्रस्तुत करता है। देखिए, जब बच्चे हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, माने कि हम मैट्रिक किए 15-16+ हो गए, तो उस समय हम अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं तो बहुत उनसे अनुभव सीखते हैं। या मानिए कि जो ग्रेजुएशन कर चुका है तो उससे हम राय लेंगे, या UPSC कर रहा है तो वो हमें क्या राय देगा कि अरे तुम इंटरमीडिएट कर लिए, तो उससे हमें सलाह मिल जाएगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो अगर कोई बच्चा बोलेगा अरे मैट्रिक मैं कर ली हूँ, मुझे UPSC में जाना है, तो जो UPSC का तैयारी क्या रहेगा, वो ना बता पाएगा कि अरे तुमको UPSC में जाना है या BPSC की तैयारी करना है, तो तुम क्या लो आर्ट्स ले लो, यानी आर्ट्स फैकल्टी में जाओ, तुम ज्योग्राफी लो, हिस्ट्री लो, पॉलिटिकल साइंस लो, इससे क्या होगा तुम्हारा बहुत हेल्प मिलेगा, तो बच्चा वो ले लेगा। अगर कोई कहेगा अरे मुझे मैनेजमेंट में जाना है, तो कह देगा ठीक है तुम MBA से कर लो, IAS करेगा उसके बाद MBA से कर लो। अरे बैंकिंग लाइन में जाना है तो ठीक है भाई कॉमर्स कर लो, ICOM कर लो, BCOM कर लो। तो कहने का सेंस है, हम ये जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो दूसरे के द्वारा हमें अनुभव प्राप्त हुआ ना, और इस प्रकार हमारी संभावनाएँ प्रस्तुत हो जाती है। इसे हम लोग समझ लिया, और आगे हम लोग समझेंगे अधिगम अनुभव के चयन के मानदंड, अधिगम अनुभव के चयन के मानदंड। तो यहाँ देखिए समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, इसको इस पॉइंट पे प्रकाश डालेंगे। अधिगम अनुभव के चयन के मानदंड, यानी अधिगम जो हमारा अनुभव होता है इसको चयन के मानदंड किसने दिया है, तो इसमें तो दो दो व्यक्ति का नाम पूरा दिमाग में बैठा लीजिए लो, एक बर्टन है एक व्हीलर है। कौन है? एक बर्टन है एक व्हीलर है। एक बर्टन है, बर्टन यानी बटन, व्हीलर, व्हीलर में चक्का, याद कर लिए बर्टन व्हीलर। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अगर मान्यता प्राप्त है वैज्ञानिक रूप से तो व्हीलर महोदय जी को प्राप्त है, फिर भी बर्टन महोदय जी क्या बोले हैं, उनका क्या कहना है, उसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए, तो अधिगम अनुभव के चयन के मानदंड, कुछ विद्वानों ने पाठ्यचर्या निर्माताओं एवं शिक्षकों की सहायता के लिए अधिगम अनुभव के चयन के मापदंड निर्धारित किए हैं। देखिए ये जो बर्टन और व्हीलर महोदय जी हैं, इनका जो अधिगम अनुभव मानदंड है, ये क्या करता है, करिकुलम जब निर्माण होता है उसमें और एक टीचर की मदद करने में ये बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण साबित हुआ है या होता है। अब देखिए बर्टन जी क्या बोलते हैं, बर्टन द्वारा प्रस्तावित मानदंड के अनुसार अधिगम अनुभव को छह शर्त रखे हैं, जिसको हम लोग इसमें सब कुछ समझेंगे। वो विद्यार्थियों की दृष्टि में उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयुक्त होती, तो बार बार हम पढ़े जा रहे हैं क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो हमारे उद्देश्य को प्राप्त कर सके। ठीक है, अब आगे समझेंगे। शिक्षकों की दृष्टि में वो अवांछनीय सामाजिक उद्देश्य की ओर ले जाने वाला होना चाहिए, मतलब जो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है उसके ओर भी ले जाए। अब हम बहुत पढ़ लिख लें लेकिन समाज में कैसे रहना है ये मुझे हम लोग को मतलब पता ही नहीं रहा है, तो कहा जाता है अरस्तु क्या बोले हैं, मैन इज अ सोशल एनिमल, हम लोग सोशल एनिमल हैं, इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि समाज में कैसे रहना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हमारा एजुकेशन क्या है, बेकार है भाई। एजुकेशन भी तो यही ना सिखाता है, जीना, ढंग से जीना, तरीका, शैली, जीवन शैली कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट समझेंगे, शिक्षकों की दृष्टि में वह वांछनीय सामाजिक उद्देश्य की ओर ले जाना होना चाहिए, यानी वांछनीय सामाजिक उद्देश्य को ले जाना हो। आगे समझेंगे, इसमें विद्यार्थियों के संतुलित विकास के लिए विभिन्न प्रकार की व्यक्ति तथा क्रियाओं का समावेश होना चाहिए। हमारा जो अधिगम कैसा होना चाहिए, अधिगम अनुभव, हमारा अधिगम अनुभव ऐसा होना चाहिए जिसमें व्यक्तिगत तथा क्रियाओं का समावेश हो, यानी उसमें करके सीखना मिले, इंडिविजुअल रूप से व्यक्तिगत रूप से भी मिले। अब आजकल देखिए स्कूलों में कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी पढ़ाई करना अनिवार्य है, तो क्या उसमें एक ही बार सबको सिखा दिया नहीं होगा, बारी बारी से कहना पड़ता है कि आओ बच्चों आप अभी प्रैक्टिकल कीजिए, बारी बारी से बच्चे आते हैं बहुत कुछ सीखते हैं, तो क्या होना चाहिए, क्रियाओं यानी करके सीखते हैं, और व्यक्तिगत रूप से भी उसमें समावेश होना चाहिए। और नेक्स्ट समझेंगे, अब 4 नंबर, उसका आयोजन विद्यालय तथा समाज में उपलब्ध साधन सुविधाओं के द्वारा किया जाना चाहिए, उसमें सारी सुविधाएँ उपलब्ध हो। अब हम अधिगम कर रहे हैं तो हमें सुविधाएँ भी होना चाहिए ना, अब हम आप पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है, या किसी नोट्स को तैयार कर, तो हमें कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, प्लस आपको
बुक वगैरह भी चाहिए तब तो एक नोट तैयार होता है। तो क्या हुआ, इसमें साधन भी चाहिए, साधन नहीं रहे तो हम क्या कर पाएंगे। पहले ही था, बहुत पहले प्राचीन मतलब प्राचीन ज़माने में मौखिक पढ़ाई होता था, मौखिक होता था, उतना सूटेबल नहीं था। अंग्रेज आए तो बोले कि अरे इसको क्या अज्ञानता बोले, अंधकार बोले, मैं काले भी कितना क्रिटिसाइज किया, बोला कि अरे पूरा एशिया मतलब ऐसा नहीं, उस वो एक्सेस क्रिटिसाइज कर दिया, ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ भी बहुत महान महान लोग हुए हैं, आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता है, कालिदास को देख लिए, ब्राह्मीर को देख लिए, चरक को, सुश्रुत सुप्त महाराज है, तो कहने का मतलब सुश्रुत करके है, तो मतलब आचार संहिता है इन लोग का, क्या शल्य चिकित्सा है, तो महान महान व्यक्ति हमारे यहाँ हुआ है। लेकिन फिर भी अंग्रेज आए तो मैकाले बोल रहा है कि अरे यूरोप का एक लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी, अब पूरा यहाँ का जो है ग्रंथ पूरा एशिया का क्रिटिसाइज किया कि उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। यानी वो लोग बहुत सभ्य हैं और एशिया के जो लोग थे पूर्वी एशिया के बहुत ज़्यादा मतलब असभ्य थे, ऐसा उन लोग का मानना था। तो वो लोग करिकुलम, फिक्स फी, ये सारी व्यवस्थाएँ उन्हीं लोग का शुरू किया हुआ है। तो इसमें देखिए उसका आयोजन विद्यालय तथा समाज में उपलब्ध साधन सुविधाओं के द्वारा किया जाना संभव है, ठीक है। और नेक्स्ट समझेंगे, इस उसमें उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं की दृष्टि से इतनी विविधता हो कि वर्ग के सभी सदस्यों को उपयुक्त प्रवृत्तियाँ सुलभ हो सके। देखिए उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं की दृष्टि से इतनी विविधता हो, मतलब देखिए हमारा देश है डाइवर्सिटी का देश है, हमारा कक्षा क्लास होता है उसमें डाइवर्सिटी है, अनेक प्रकार के बच्चे हैं, अनेक इंडिविजुअल डिफरेंसेस लिए हुए हैं। तो क्या होना चाहिए, वर्ग के सभी सदस्यों को यानी जो जितने स्टूडेंट हैं सभी को क्या करना है, उपयुक्त प्रवृत्तियाँ सुलभ हो सके, यानी सभी को सुलभ करवाना है। आप प्रैक्टिकल करवा रहे हैं तो सभी से करवाना है, ये नहीं कि एक बच्चा को कंप्यूटर पर बैठा दे रहे सीखो और दूसरे को नहीं सिखाया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा बटन वहाँ दर्जी कहते हैं। आप देखिए व्हीलर, जिनको वैज्ञानिकता प्राप्त है और व्हीलर को समझेंगे, तो देखिए व्हीलर सात चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वैधता है, व्याप्तता है, विविधता है, डाइवर्सिटी का भी बात करते हैं, उपयुक्तता भी है इनमें, जीवन से संबंधित है, विद्यार्थियों की सहभागिता है, फिर एक प्रतिमान को भी वैल्यू दिया जिसमें ऐसा कुछ भी हम लोग विचार करेंगे। अधिगम अनुभव के चयन के संबंध में व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंड अधिक वैज्ञानिक है, इनके द्वारा प्रस्तावित मानदंड क्या है, अधिक अधिक साइंटिफिक है। और देखिए इसमें वैधता है यानी वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, देखिए आप लोग कुछ भी खरीदने जाते हैं तो उसको पूछते हैं ना कि अरे बॉल ले रहे हैं, ले जाएंगे कितने दिन चलेंगे, इसका कोई वारंटी तो है, कोई आप लोग फ्रिज ले रहा है अरे इसका वारंटी गारंटी कुछ काट दो मुझे, यानी उसी को क्या वैलिडिटी बोला जाता है, ठीक है। किसी भी अधिगम अनुभव का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपेक्षित उद्देश्य से संबंधित हो, अतः केवल उन्हीं अधिगम अनुभव का चयन किया जाना चाहिए जो उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। देखिए ये भी उद्देश्य की प्राप्ति की बात करते हैं, यानी जो भी हमारा अधिगम अनुभव है वो हमें क्या करें, जैसे हम बीएड में हैं, बीएड में आप जो भी बुक पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या वो बीएड के करिकुलम से संबंधित हो, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम हमें फेस करना है उसमें क्या करें, हमारी मदद करें, यानी उसमें वैलिडिटी हो। व्यापकता को समझेंगे, व्यापकता में देख लिए ब्रॉडनेस, व्यापकता से तात्पर्य यह है कि अधिगम अनुभवों का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि करिकुलम में घोषित प्रत्येक उद्देश्य के लिए उपयुक्त अधिगम अनुभव की व्याख्या हो जाए। कोई भी उद्देश्य उपयुक्त अनुभव के बिना व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता, अतः व्यापकता का मापदंड महत्वपूर्ण है। देखिए व्यापकता का मतलब होता है ना ब्रॉडनेस, यानी नैरो होना नहीं चाहिए, सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, चाहे कल्चर हो, चाहे कॉग्निटिव हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे फिजिकल हो, यानी सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, नहीं एक ही बिंदु पर नहीं सेंटर्ड होना चाहिए बल्कि सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए हमारा अधिगम अनुभव का मानदंड, ऐसा हमारे व्हीलर महोदय जी कहते हैं। अब नेक्स्ट समझेंगे विविधता, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में समझेंगे विविधता एक सामान्य सिद्धांत, हम सभी जानते हैं कि डाइवर्सिटी सभी मान्यता प्राप्त है, इसे सभी मानते हैं। अधिगम के क्षेत्र में किए अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि विद्यार्थियों के लिए न केवल भिन्न भिन्न प्रकार के अधिगम की आवश्यकता है बल्कि भिन्न भिन्न विधियों से भी सीखते हैं। देखिए यहाँ हम लोग समझने का
कोशिश करना चाहिए। देखिए हम लोग सभी जानते हैं डाइवर्सिटी भी है, डिफरेंसेज और पर्सनैलिटी डिफरेंसेज भी है, व्यक्ति विभिन्नता है। तो क्लास में प्रत्येक विभिन्न प्रकार के बच्चे आ रहे हैं। जैसे आजकल देखिए ये जो समावेशी शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, यानी सभी तरह के बच्चे वो एक साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होंगे, और जब एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे तो सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अलग अलग विधि का भी, उसमें कुछ प्रतिभाशाली होंगे, कुछ मंदबुद्धि होंगे, तो उसी प्रकार से ना उनको टीचिंग में उसी में अलग अलग टीचिंग, एक टीचर को अलग अलग विभिन्न प्रकार के टीचिंग मैथड भी आना चाहिए। वो सभी पर अलग अलग टीचिंग मैथड पर ध्यान दें। अब जो ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो उनको भी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी उसी में देख, उसमें बिजी रहे। और माने कि एक ही टाइप का क्वेश्चन सबको दे दे रहा है तो बच्चे जल्दी बना के बैठेंगे और बदमाशी अपना शुरू कर देंगे। मंद बच्चे का बच्चा धीरे धीरे लगा हुआ है। तो इस प्रकार से टीचर की जिम्मेदारी बनती है, स्कूल प्रशासन कॉलेज प्रशासन जो मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसा अपने स्कूल में सभी साधन से रखे और ऐसा टीचिंग टीचर भी ऐसा क्वालिफाइड एंड ट्रेंड रखे कि इन बच्चों को बढ़िया से हैंडल कर पाए, बढ़िया से इनको नॉलेज दे पाए और उनको सुगमकर्ता उनके लिए बन पाए। उनके सीखने की गति में भी अंतर होता है और बच्चे को सीखने में भी अंतर होता है। विद्यार्थी द्वारा किसी अधिगम अनुभव का चयन न केवल उसकी योग्यता हो, क्षमता हो, पृष्ठभूमि आदि पर बल्कि उसकी अभिरुचि और लक्ष्य पर भी निर्भर होना चाहिए। देखिए एक बच्चे क्लास में पढ़ते हैं अनेक इलाकों से आते हैं, माने कि कोई जैसे जो जिस जहाँ रहता है, माने कि कोई शहर के स्कूल है तो उसमें आदिवासी इलाके से भी बच्चे आ रहे हैं, ग्रामीण इलाके से भी आ रहे हैं, शहरी इलाके से भी आ रहे हैं। तीनों का बिल्कुल परिवेश अलग है, बिल्कुल हेरिडिटी अलग है। तो क्या इनमें व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं रहेगी? रहेगी, बिल्कुल रहेगी। तो केवल उनकी पृष्ठभूमि पर ही नहीं ध्यान दिया जाए कि वो कहाँ से आ रहे हैं, बल्कि ऐसा है अधिगम अनुभव ऐसा होना चाहिए करिकुलम में कि उसमें उनकी रुचि भी हो, उनके लक्ष्य पर भी निर्भर हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें उनकी रुचि हो, रुचि नहीं रहेगी तो क्या उबाव फील करेंगे। आगे हम लोग 4 नंबर पढ़ेंगे उपयुक्तता। उपयुक्तता का मतलब होता है रिलेवेंसी, यानी वो हमारे लिए उपयुक्त है कि नहीं, सही है कि नहीं, अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए हमारे करिकुलम में। अधिगम अनुभव, अधिगम अनुभव के चयन एवं एक महत्वपूर्ण मानदंड उनका उपयुक्त होना है। मनोविज्ञान के विकास के साथ साथ विगत वर्षों में यानी लास्ट के वर्षों में बालकों के बौद्धिक भावात्मक नैतिक एवं सामाजिक विकास संबंधी अनेक महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए हैं। देखिए अभी जो है साइकोलॉजिस्ट इतने अध्ययन किए हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक है, आपको प्याजे देख लीजिए, बौद्धिकता पर ध्यान दिए, भावात्मक पर ध्यान दिए, ये कंस्ट्रक्टिव है, प्याजे हो गए, वायगोस्की हो गए, इसी में आपको ब्रूनर हो गया, बंडूरा हो गया, ये सारे क्या है बहुत ज़्यादा, इस पर थर्ड नाइक हो गए जो अधिगम को सिद्धांत दिए हैं, उसके बाद स्किनर आ गए, पाउलो आ गए, ये सब अधिगम में आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इतना ज़्यादा अध्ययन किया है कि मनोविज्ञान का अभी बहुत विकास हुआ है। और उसी देखिए अभी आप लोग बीएड में बहुत ज़्यादा इसके साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आगे आप सीटेट में भी दिया है, स्पेशल है CDP, इसमें पूरा इन्हीं लोगों के बारे में पढ़ना है। तो कहने का मतलब है प्रभावी अधिगम के लिए विद्यार्थियों में अधिगम तत्परता का होना आवश्यक है। देखिए थर्ड नाइक महोदय जी के बारे में आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, जो नियम निकाला तत्परता का नियम, यानी तत्परता का नियम होता है कि जब तक कोई स्टूडेंट तत्पर नहीं है तो उसे उस चीज़ में सफलता नहीं मिल सकेगी। ठीक है, अगर आप लोग को तत्पर है कि मुझे अच्छा टीचर बनना ही बनना है तो इसके लिए क्या होगा, आपको कठिन से कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ढेर सारे बुकों का अध्ययन करना पड़ेगा, फिर उसमें अपने अनुभवों को लिखना पड़ेगा, एक नोट्स बनाना पड़ेगा। तो क्या है ये है तत्पर, यानी तत्पर है कि मुझे बीएड करना है, मुझे सीटेट में एकदम अच्छा से ऐसा मार्क्स लाना है, हमें एक बहुत अच्छा टीचर बनना है, क्योंकि टीचर जो होते हैं अनेक बच्चों का भविष्य बनाते हैं। तो क्या हम तत्पर हैं तो इस पे इन्होंने फोकस किया है। अतः विकास स्तर को अनुसार ही अधिगम अनुभव की व्यवस्था कृत होना चाहिए। इन सारे मनोवैज्ञानिक है उनका कहना है कि जो डेवलपमेंट स्टेट्स है उसी के अनुसार ही क्या करना चाहिए, लर्निंग एक्सपीरियंस की व्यवस्था होनी चाहिए उनका कहना। अब आगे हम लोग देखिए इसी में देखिए ब्रूनर जी ने क्या कहा है, उनकी कथन को हम लोग पढ़ेंगे। अधिगम अनुभव के महत्व को स्वीकार ही नहीं किया बल्कि
करिकुलम विकास की प्रक्रिया में उसी पर सर्वाधिक बल दिया। देखिए ब्रूनो महोदय जी हैं, इनका कहना, इनका जो मतलब विचार है, ये केवल अधिगम अनुभव अनुभव पर ही बल नहीं दिए हैं, उसी को ही एक्सेप्ट नहीं किए हैं, बल्कि जो पाठ्यचर्या होती है उसके विकास की प्रक्रिया में उस पर सर्वाधिक बल भी देते हैं कि अधिगम अनुभव भी होना चाहिए और करिकुलम का वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए विकास होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट समझेंगे जीवन से संबंधित, यानी विलर महाराज का क्या कहना है कि करिकुलम जो निर्माण कर रहे हैं उसमें अधिकम जो अनुभव हो जीवन से भी संबंधित होना चाहिए। शिक्षक शिक्षार्थी तथा शिक्षालय, यानी टीचर स्टूडेंट और स्कूल सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, सामाजिक जो सांस्कृतिक परिवेश होते हैं उससे अलग नहीं होती है होते हैं। इस पर बार बार हमारे अवायुस्की महोदय जी ने इस पर बार बार फोकस किया सांस्कृतिक परिवेश पे, यानी इससे ना टीचर अलग है, ना ही स्टूडेंट अलग है और ना ही स्कूल अलग है। इसीलिए प्रस्तुत अधिगम अनुभव का वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए। इसीलिए हमारा जो अधिगम अनुभव होना चाहिए क्या होना चाहिए, इससे रिलेटिव होना चाहिए, हमारे लाइफ से रिलेटिव होना चाहिए, जो हमारी जीवन की समस्याओं को समाधान करने में मदद होना चाहिए। ऐसा हमारे करिकुलम में अधिगम अनुभव होना चाहिए। ऐसा किसका मानदंड है, व्हीलर का मानदंड है। आगे हम लोग समझेंगे 6 नंबर, विद्यार्थियों की सहभागिता। विद्यार्थियों की सहभागिता का मतलब होता है पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। अधिगम अनुभव के आयोजन में विद्यार्थियों की सहभागिता आवश्यक है। जब तक विद्यार्थी शिक्षण के उद्देश्यों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक अधिगम पूर्ण नहीं हो सकता। देखिए यहाँ हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, एक माने कि स्कूल में टीचर है, स्टूडेंट नहीं है, तो उसका क्या क्या मतलब उसका कहा जाए, कोई उसको उसका वैल्यू नहीं है। तो इसमें एक टीचिंग जो प्रोसेस होते हैं उसमें स्कूल भी ज़रूरी है, उसमें स्टूडेंट भी ज़रूरी है और टीचर भी ज़रूरी है, तीनों की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस। इसीलिए जॉन डीवी ने क्या इसको त्रिधुरी कहा है, टीचर स्टूडेंट स्कूल या करिकुलम, एकदम इसको एकदम पूरा जोर उन्होंने दिया है। और इसलिए कहा जाता है कि जो अधिगम अनुभव होता है, यदि हम अधिगम करा रहे हैं, ठीक है, टीचिंग करा रहे हैं, तो अधिगम भी प्राप्त करने वाला कोई चाहिए ना, तो अधिगम कौन प्राप्त करता है, स्टूडेंट करता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट की पार्टिसिपेट उसको करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि बच्चे हैं तत्पर रहेंगे सीखने के लिए तब तो टीचर भी एंजॉय कर पाएंगे, अच्छा हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे हमारे तत्पर है सीख रहे हैं, उन्हें भी खुशी महसूस होगी। तो दोनों की मौजूदगी बहुत आवश्यक है। अब निष्कर्ष इसका निकालेंगे, निष्कर्ष में क्या है, निष्कर्ष तो कहा जा सकता है अधिगम अनुभव विद्यार्थियों के लिए सार्थक रुचिपूर्ण तथा उनकी क्षमताओं की दृष्टि से उपयुक्त हो सकेंगे। मतलब कहा जाता है कि जो करिकुलम अधिगम अनुभव होता है स्टूडेंट के लिए क्या होता है, उनकी क्षमताओं को बढ़ाता है और उनके लिए बहुत ही उपयोगी प्राप्त होता है, जिससे वे क्या होते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं और जीवन में अपनी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। इसीलिए तो ब्रूनर ने तीन प्रकार मतलब अधिगम के तीन प्रकार बताया है, तीन चीज़ों पर, तीन पॉइंट पर फोकस किया है। एक तो क्रियात्मक यानी करके सीखना, प्रतिमात्मक यानी प्रतिमान द्वारा सीखना यानी चिन्हों द्वारा सीखना, फिर प्रतीकात्मक यानी प्रतीकों द्वारा सीखना। यहाँ पे क्रियात्मक को समझेंगे, क्रियाओं को करते हुए बालक सीखता रहता है, अब हम करके सीखेंगे तो बहुत कुछ सीखते रहते हैं। इसीलिए तो आजकल प्रोजेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है प्रैक्टिकल रूप से, कि कुछ भी हम सीख रहे हैं उसका फिर प्रैक्टिकल रूप देना ही एक टीचर का उद्देश्य होता है। सेकेंड प्रतिमात्मक, अब जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, माने कि आप ज्योग्राफी टीचर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो उनको समझाना है कि मतलब स्टूडेंट को समझाना है कैसे ये जो हमारे 8 ग्रह है कैसे सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, ठीक है, तो क्या इसको हम लोग मतलब इसके लिए एक क्या करेंगे, चार्ट तैयार करेंगे, बोर्ड पर चार्ट बनाएंगे, बीच में सूर्य बनाएंगे, उनके चारों तरफ ग्रह दिखाएंगे, ये कैसे ऐसे गोल गोल चक्कर आते हैं, तो कैसे आपको 21 जून जो होता है वो उत्तरी आयांत हो जाता है, 22 दिसंबर दक्षिणी आयांत हो जाता है। तो ये सब समझाने के लिए क्या करते हैं, प्रतीकों का चिन्ह करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। और थर्ड देखिए प्रतीकात्मक, अधिगम प्रतीक व्यवस्था पर भी आधारित होता है। जैसे माने कि 2 से 7 साल का बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मॉन्टेसरी में पढ़ाया जा रहा है, तो उनको प्रतीक ज़्यादा दिखाया जाता है। जैसे एप्पल सिखा रहा है तो एप्पल बनाना पड़ता है, मैंगो सिखा रहा है तो बनाना दिखाना पड़ता है, क्या प्रतीक है।
अधिगम प्रतीकवस्था पर भी अधिगम आधारित होता है। लगभग 10 वर्ष की आयु के बाद बच्चा अपने अधिगम में भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करने लगता है। देखिए, जब हम प्रतीकों का बच्चा जैसे प्याजे कौन सा 2 से 7 या 10 कहिए, तो जब प्रतीक रूप में ज़्यादा सिखाते हैं तो वही क्या हो जाता है, वही एक भाषा हो जाता है। तो भाषा किसे कहते हैं, अनेक वाक्यों का जो प्रयोग किया जाता है वही भाषा बन जाता है। तो जो पहले इंसान थे क्या थे, कुछ बोलना नहीं सीखे थे, बस ना। अब पाषाण काल को ही देख लीजिए, स्टोन एज को, उसमें इंसान क्या थे, ना उनको बोलने का ढंग था ना पहनने का ढंग था। तो क्या थे, पहले ऐसे ही घूम रहे थे, ना खाने का ढंग था। लेकिन जैसे न्यूलिथिक आया तो धीरे धीरे इंसानों ने क्या किया, अपना में प्रोग्रेस, कृषि करना, कृषि क्रांति हुई। फिर सिंधु सभ्यता में आप लोग देखिएगा कि वो बिना सिले कपड़े, मैंने कपास की 7000 पहले माना जाता है उत्पत्ति मेहरगढ़ में, कपास मतलब खेती होने लगी। तो कपड़े बनाते थे लेकिन सिल नहीं पाते थे, डायरेक्ट ऐसे ही कपड़े बना के पहन लेते थे बस काट। तो कहने का सेंस है, धीरे धीरे उन्हें पहनने आए, फिर बोलने। तो बोलने में क्या हुआ कि इंसानों ने सोचा कि अरे बोला कैसे जाए, तो उसके लिए पहले चीन का यूज किए, जैसे चीन बनाए। अब चीन से काम नहीं चला तो उनको कुछ दिया गया, तो वर्णों का आविष्कार हुआ। अब वर्ण वर्ण मिले तो क्या हो गए, अब शब्द बन गया, शब्द शब्द मिल के क्या हो गया, वाक्य बन गया। और कई वाक्यों के मेल से भाषा बन गया। तो भाषा किस, भाषा क्या होता है, भाषा वर्ण की सबसे क्या होता है, भाषा मतलब जो होता है वो सबसे बड़ी इकाई माना जाता है, ठीक है। और इस रूप में प्रतीक रूप में ही बच्चा क्या हो गया, भाषा सीख गया, अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करने लगा, यही प्रतिमात्मक स्वरूप है। तो आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का बहुत ही VBI क्वेश्चन 2021 के लिए हम लोग कोर्स 8 का क्वेश्चन कवर किए हैं। और थैंक्स आप सभी को, यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। और जय हिंद, जय भारत।